हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है पीएचडी से। तो अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है और आपने अपना जो पीएचडी डिग्री है वो कंप्लीट कर रखा है, तो आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं और आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन ये है निकला है सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, सीएमसीसीएम भी बोलते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ सीएसआईआर। तो अगर आपको इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है जनवरी 2021 पीएचडी प्रोग्राम के लिए आया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और फार्मेसी और मेडिसिन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में है अपने क्वालिफाइंग डिग्री के लिए तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन इन्होंने मेंशन करी है कि अगर आप जो है जब आपका जो डिग्री है पीजी डिग्री जो भी है आपका जो कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसका फॉर्म उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 22 अगस्त 2021। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे इसका लास्ट डेट का। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो मेंशन कर रखी है 30 नवंबर 2000। तो यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो इसका लास्ट डेट वो 30 नवंबर को है। अब ये सिलेक्शन जो है वो टोटली होगा कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट के बेस पे होगा, और ये जो कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट है ये ऑल ओवर इंडिया यानी कि 19 टेस्ट सेंटर अक्रॉस द कंट्री में होगा। और मे बी इसका अभी एग्जैक्ट मंथ नहीं बताया गया और डेट नहीं बताई गई, लेकिन मे बी इट विल बी इन दिसंबर। ठीक है, अब इसका जो मेन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो है आपका यहाँ पे कोई भी जो फेलोशिप है वो होना चाहिए, चाहे आपका सीएसआईआर हो, चाहे आपका यूजीसी, चाहे डीबीटी, चाहे आईसीएमआर, चाहे आपका गेट। तो ये फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये फेलोशिप है तभी आप यहाँ पे जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिनों देखिए मेंशन कर रहा है आप वैलिड फेलोशिप इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग पीएचडी या सीसीएमबी एंड द एलिजिबल फेलोशिप्स आर। तो देखिए यहाँ पे जितनी फेलोशिप है सब मेंशन कर रखी है, तो आपने इन फेलोशिप आपके पास है तो आप डायरेक्टली जो है इस यहाँ पर पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही अगर आपका गेट आपने क्वालिफाई किया और आपका गेट स्कोर 85% है या उससे ऊपर है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज आप मत करिए। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक चीज और नोट दी है कि फेलोशिप मस्ट बी वैलिड टिल द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग, यानी तो आपका जो फेलोशिप है इट शुड बी वैलिड टिल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कैंडिडेट विद लेक्चरशिप ओनली इन सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एमएससी एमटेक एमफार्म कैंडिडेट विद गेट और जीपैट विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है कि आपने अगर सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और आपका जीआरएफ नहीं है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपका गेट का स्कोर अगर लेस देन 55% है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगर आप जो इसका एग्जाम देना चाहते हैं जो कि रिटर्न एग्जाम होगा वो आपको देना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो उसके लिए जो है आप जो है अपना खुद का लाइक अरेंजमेंट करिए, आने जाने का या खाने पीने का वो सारा अलाउमेंस तो आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे सीसीएम भी कोई भी जो है ट्रेवलिंग अलाउंस टाइप कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन था ये सीएसआईआर सीसीएमबी से निकाला गया है। इसका अगर आप कुछ और फैकल्टी देखना चाहते हैं या यहाँ पे आप रिसर्च थीम देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे होती है, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, जीनोमिक्स एंड एपिजेनेटिक रेगुलेशन, सेल एंड स्टेम सेल बायोलॉजी, माइक्रोब्स एंड बायोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इकोलॉजी, क्रॉप इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो इन सारे जो रिसर्च थीम यहाँ मेंशन कर रखी है तो आप जिस भी रिसर्च थीम में जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।